तो दोस्तों, अगर आप भी पीएनबी बैंक के कस्टमर हैं या फिर आपका पीएनबी बैंक में अकाउंट है, तो गाइस आपकी एम पासबुक है जो आप स्टेटमेंट अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में टाइप करना है पीएनबी एम पासबुक। आप ये देख रहे हैं, ये ऐप आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर आप अपने अकाउंट का कभी भी किसी भी तरह का कोई भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे फीचर है यहाँ पे एम पासबुक, आपको बैलेंस मिल जाएगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है अकाउंट सिलेक्ट कर पाएंगे आप। और यहाँ पे कुछ आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, मिनी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम की यहाँ पे डिटेल में स्टेटमेंट मिल जाती है हर ट्रांजैक्शन की। तो डिस्क्रिप्शन मिल जाता है आपको ट्रांजैक्शन का, कहाँ से पैसे आए, कहाँ पैसे गए, और आप इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज आपको ये पूछेगा अपनी भाषा चुनें। आप यहाँ पे लैंग्वेज पे टैप करके इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेज आप रखना चाहें वो सिलेक्ट कर ले। मैं इंग्लिश कर देता हूँ और आपको प्रोसीड पे टैप करना है। अब गाइज आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी डालनी है। कस्टमर आईडी आपको जो आपके बैंक की पासबुक है, आपको उस पासबुक के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगी, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डिटेल होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल देता हूँ। और आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे टैप कर देना है और आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। आप देख रहे हैं ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल दें और आप प्रोसीड कर दें। उसके बाद गाइज आपको एक अपनी पिन सेट करनी होगी, कोई भी आप अपनी पिन सेट कर सकते हैं 4 अक्षरों की। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई पिन सेट कर लेता हूँ। सेट पिन पे टैप कर देना है, ओके हो चुका है। अब आपको जो पिन आपने सेट की है वो आप यहाँ पे दोबारा डाल दें और प्रोसीड कर दें। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस सेविंग यहाँ पे आ चुका है, डिटेल आ चुकी है। रिफ़्रेश अकाउंट लिस्ट पे टैप करके आप अपना अकाउंट रिफ़्रेश कर सकते हैं इसे। तो इस तरह आप अकाउंट रिफ़्रेश कर सकते हैं। सेविंग्स पे टैप करके आप यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट है लास्ट 10 ट्रांजेक्शन मिनी स्टेटमेंट पे टैप करके आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। और डिटेल में आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सिलेक्ट डेट्स, आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है। आप अपनी डेट सिलेक्ट करके आप डिटेल स्टेटमेंट पे टैप करेंगे तो आपकी जो डिटेल स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्विक ऐप है दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक की। अगर आपका खाता है तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं और जब चाहे जैसे चाहे अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।